मुशर्रफ आज अदालत में फिर पेश नहीं हुए और अचानक तबीयत की खराबी के बायस अस्पताल मुंतकिल। अदालत ने गिरफ्तारी से मुस्तस्ना करार दे दिया। तीन तक के लिए अदालती कार्रवाई मुलतवी। इलाज के गर्ज से साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर भेजे जाने के भी गालिब इम्कान। मुल्क में जमहूरियत की इमारत तो खड़ी हो गई है, मगर बल्दियाती निजाम की बुनियाद के बगैर खड़े इस जमहूरी निजाम को दवाम कैसे मिलेगा? जमहूरी हुकूमतों के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर मुख्तलिफ मसाइल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध तमाम सूबाई हुकूमतों के लिए बल्दियाती इंतखाबात दर्दे सर बन गए। बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम सूबे अब तक मुकामी हुकूमतों के कयाम के लिए इंतखाबात के लिए क्यों नहीं तैयार? नई जमहूरी हुकूमत के कयाम के बाद वफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतों को जहां एक तरफ अवामी मसाइल का हल करना है, वहीं साथ ही साथ जमहूरी निजाम के तसलसल और बका के लिए इकदाम करना भी इन हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ऐसे में एक तरफ साबिक डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर इनके गैर आइनी इकदाम के लिए गद्दारी केस जो कि हर रोज नई सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ बल्दियाती इंतखाबात अल्तवा की वजूहात पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तलाल चौधरी साहब और मेरे साथ मौजूद हैं खालिद रांझा साहब। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ एनालिस्ट हसन निसार साहब। गुफ्तगू का आगाज करूंगी खालिद रांझा साहब से। खालिद साहब, मुशर्रफ साहब के जो मुखालफीन हैं उनका ये कहना है कि पहले ठोके बम और अब दिल की तकलीफ, ये सब महज बहाने हैं। असलियत ये है कि कमांडो अदालती कार्रवाई से डर गया है। एक मुखालफाना सोच है, जैसे हम कहते हैं ये बड़े बदयानत है, सिर्फ अकेले का पर्चा दिया है, बाकी जो 12 कोर कमांडर थे उनको छोड़ दिया है, उसका क्या जवाब देते हैं? उस बदयानती क्या जवाब देते कहते हैं? जी 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 रान साहब, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो फिर से प्लीज फिर से बताइएगा क्या आप कह रहे थे। ये एक इल्जामी गुफ्तगू है ना जी, जैसे जी। हम कहते हैं जी आपने इसमें 16 मुलजम थे, ये अकेले को चूज किया है, ये सीर बदयानती है, स्कैटर्ड जस्टिस और पैक जस्टिस, तो ये एक एक नुक्ता नजर है, वो भी कह सकते हैं, उनके खिलाफ यही बात होती है। जी जी मैं जाऊंगी, इस वक्त जाऊंगी तलाल चौकी जाना। तलाल साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये आपकी जमात की तरफ से भी जो है इल्जाम आ रहे हैं, मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि ये ड्रामा हो रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, अगर वो बीमार हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अब वो सच्चे बीमार हैं या झूठे बीमार हैं, इसका तो या अल्लाह मियां जानता है या फिर आने वाले वक्त में डॉक्टर्स बता देंगे। वैसे चाहिए तो था कि मुश्किल वक्त में जो लोग बहादुर होते हैं, जो लोग कमांडो होते हैं, जो मजबूत होते हैं, उनका दिल भी बहुत मजबूत होता है। तो इस वाक्य के बाद तो इतनी छोटी सी एक पहली पेशी को जो दिल पे लिया है, इससे तो उनका अंदर की बहादुरी का राज खुल गया है। और हम बिल्कुल, उनको हुकूमत ने पूरी आज प्रोटेक्शन दी, पूरी सहूलतें, और पहले भी प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं और हम भी कह चुके हैं, हम उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह ये करते रहे हमारे लीडरों के साथ के 6-6 माह कैदे तन्हाई में, सर्दियों में ना कंबल नीचे रखने के लिए ना ऊपर लेने के लिए, हमने तो इन्हें गर्म अच्छे घर में स्विमिंग पूल में वहां रखा हुआ है और पूरे इन्हें हक दे रहे हैं कि ये अपनी अदालत में फाइट करें, वकील करें, बात करें, मीडिया से बात करें, बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन ये बताइए कि हुकूमत की तरफ एक ये सवाल भी आता है, लोग इस वक्त पूछ रहे हैं कि बाकायदा तौर पे क्यों नहीं बताया जा रहा, कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ठीक है वो खतरे से बाहर है या अभी उनकी जो है एंजियोग्राफी हो रही है, अभी तक फुल एनफ्लेज कोई जो है प्रॉपर डॉक्टर्स की तरफ से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई आपने कोई स्पेशल बोर्ड बिठाया वेरीफाई करने के लिए कि आया जो ये कहा जा रहा है कि उन्हें दिल की तकलीफ है, क्या वो बात सच है या नहीं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक तो ये, क्योंकि वो जिस इंस्टीट्यूट में गए हैं वो इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, नंबर वन।
नंबर टू या फिर कोर्ट तो आपने लेना है ना, रिस्पॉन्स तो आपने लेना है, रिस्पॉन्स तो आपने लेना है उनसे। देखिए हुकूमत का ये काम नहीं है, ये तो जिस बोर्ड के पास जहां गए हैं, जिस डॉक्टर के पास या जिस इंस्टीट्यूशन के पास, वो रिस्पॉन्ड करेंगे और उसके बाद अगर कोई मामला बनता है तो फिर इनके बोर्ड को तश्कील देना पड़ता है अदालत की तरफ से या कोई दूसरा, तो वो फिर अदालत तश्कीली जिसके बाद उस बोर्ड का रिजल्ट आएगा। अच्छा खालिद राजी साहब की जानकारी जाऊंगी। खालिद साहब, आज की अदालती कार्रवाई के बाद भी क्या आपको इस अदालत के कयाम पर तहफ्फुज़ात हैं, क्योंकि आज तो अदालत ने आपके साथ काफी जो है रिलीफ बरती है, काफी आपको जो है वो रिलीफ दी है आज? रिलीफ देना अपनी जगह पे, लेकिन जो इल्जाम है रिक्यूजल के वो अलहदा है। हमने तो ये कहा है कि मेरी मुखालफत जो है ये दो अफराद के है, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान सबका से और दूसरी मियां साहब के साथ, मैं उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि ये उनके हैंड पिक लोग हैं और इनका माजी जो है वो ऐसा है कि मुखालिफ है। तो अगर वो काम करते हैं विद ऑनेस्टी इंटीग्रिटी, यकीन अच्छी बात है। तो आज भी आपके तहफ्फुज़ात वहीं अपनी जगह बरकरार है कि बेशक आज दिए हुए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, रिक्यूजल इज अ राइट ऑफ अक्यूज, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो। अच्छा तो ये मुझे बताइए कि आप जो ये बात बार बार बेंच की तरफ से बात आ रही है कि हैंड पिक्ड हैं, और इसमें तो ये कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जितने चार सूबाई चीफ जस्टिसेस थे उनसे नाम जो है मंगवाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से नाम मंगवाए, और इसके बाद ये डिस्क्रेशन होती है चीफ जस्टिस की कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत की दौरे हुकूमत में भी देखा। यही बात गलत है कि चीफ जस्टिस हैज नो रोल इन द पिकिंग ऑफ दीज जजेस, कानून में आइन में इट इज अ फंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या है? वजीर आजम, उसके तमाम वजरा एंड देन अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। अगर आप इसको बाईपास करेंगे तो फिर इसको शक की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन राजू साहब, अभी आपने ये कहा कि आपके तहफ्फुज़ात मियां नवाज शरीफ साहब पे भी हैं, तो आगे और प्रेसिडेंट भी जो है वो उन्हीं की जमात से हैं, अगर ये पैनल जो है ये उनकी तरफ से भी आता तब भी आपके तहफ्फुज़ात जो है वो बरकरार रहते हैं? यार ये मुमकिन है, लोग मुख्तलिफ होते हैं, ये लोग पिक किए गए हैं। हाँ जी, आप बंदे बड़े ठीक ने जो कमांगे कर देंगे। अब आपको क्या इस वक्त क्या लग रहा है कि क्या, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से जो है डिफरेंट कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं। आसिया साहब आए हैं, कई किसी टॉक शो में बैठ के वो ये कहती हैं कि बीजेपी और इंडिया के आपस में, बीजेपी और सॉरी नवाज शरीफ साहब के आपस में जो है वो कोई डील हो गई है और मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो है वो इसलिए मुकदमा किया जा रहा है। क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अभी 6 जनवरी को, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी के ये वाकया हुआ 2012 में, 1999 ये वाक्य हुआ, उसके बाद 2007 में हुआ, अब 2013 है। इसके दरमियान 4 फेडरल गवर्नमेंट तब्दील हुई है, किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये कर रहे हैं आके, क्यों कर रहे हैं? लाजमन एक सवाल उठता है, देयर इज सम मैलिस which has prompted them to do it। लेकिन कार्रवाई तो जो है वो कोर्ट कर रही है, पीएमएलएन को तो नहीं आप कह सकते कोर्ट कर रही है कार्रवाई, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो कोर्ट इसको लेके चल रही है। पहले इस्तगासा बनाया गया, फिर कोर्ट बनाएगी। इट्स अ स्पेशल कोर्ट, नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्ट, आम अदालत नहीं है ये। वो अदालत है जो बनाई गई थी वली खान के लिए 1976 में, और अगर मुकदमा और आम अदालत में चला से पता चल जाता। एक मखसूस कोर्ट का तयन किया गया है, मखसूस जजों को लाया गया है और तहफ्फुज़ात तो होते हैं। अच्छा तलाल साहब की तरफ चलते हैं। तलाल साहब, ये तहफ़ुज़ात तो जब से ये मेरा ख्याल है शुरू हुआ है, मुकदमा स्टार्ट हुआ है, तब से जब से ये पैनल आया है तब से ये तहफ़ुज़ात तो एपीएमएल की तरफ से आ ही रहे हैं, मुशर्रफ साहब के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये तहफ़ुज़ात आ ही रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर कि आज भी अगर उन्होंने आज तो खालिद खान साहब ने खुला कह दिया कि उनके तहफ़ुज़ात नवाज शरीफ साहब पर भी हैं। डॉक्टर साहबा, एक तो सबसे पहले है बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि जितने इनके वकील हैं
वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारा मुल्ज़िम जो है वो मुजरम है, मुल्ज़िम नहीं वो गद्दार है, इस पे वो मुत्तफिक हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि बाकियों को भी सजा मिले। और जो खालिद रांझा साहब कह रहे हैं कि हमने अपनी मर्जी के जज लगाए, तो आए तो जरा इनकी मालूमात में मैं इजाफा कर दूं कि हमने इसलिए खुद पिक नहीं किए कि फिर ये हम पे इल्जाम आएगा। हमने चीफ जस्टिस को लिखा, उन्होंने 5 जज 5 कोर्ट से लिए और उसके बाद जो 3 सीनियर 3 जजेस थे उनको लगा दिया गया। और ये वो तरीकाकार है जो के प्रोसीजर जो के तरीकाकार आइन में दिया गया है। इनके लिए ये लोग मान लें कि ये गद्दार है और इसको गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। ये तमाम इनके वकला इनको मरवाना चाह रहे हैं सिर्फ अपनी मशहूरी करवाने के लिए इनको, क्योंकि और कोई नहीं, किसी ने पैसे लिए हुए हैं, कोई अपनी मशहूरी चाहता है। और अगर कोई बाशऊर और समझदार पढ़ा लिखा आदमी जो इस मुस्तकबिल इस मुल्क का चाहता है वो मुशर्रफ के साथ कम अज कम नहीं है। खालिद राजा साहब, आज आ रहा है कि आप लोगों ने एक तरह से मान लिया कि आपके मुल्ज़िम जो परवेज मुशर्रफ जो है वो मुजरिम है। एक खुद भी उन्होंने इकरार जुर्म एक तरह से कर लिया जब उन्होंने ये कहा कि मैंने इमरजेंसी नाफिज की। कुछ फहमी है, हमारी वकालत को लाते मार रहे हैं और कहते हैं जो उनका मौकफ है वो प्राइज है। कौन का अभी तो इस्तगासा शुरू नहीं हुआ, किसने जवाब दिए हैं? अभी तो तलबी का हुक्म हुआ है, कहां कौन मान गया है? सारी दुनिया जानती है, उनके इंटरव्यू निकाल के देख लें पिछले 4 दिन के, वो खुद मानते हैं। वो तकरीर निकाल के देखें 2007 की, जिसमें वो वर्दी जिसमें वो एचकन पहन के कह रहे हैं बड़े, मैंने ये फैसला किया, मैंने ये फैसला, वो सारी दुनिया को पता है। किस टेक्निकलिटीज में उलझा रहे हैं काम को, मत उलझाए टेक्निकलिटीज में। तलाल चौधरी साहब, खालिद रांझा साहब की जानत जाऊंगी। खालिद साहब, ये बात तो बार बार उठाई जा रही है कि जब मुशर्रफ साहब एक दफा खुद कह चुके हैं कि हाँ मैंने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे मुशावरत के साथ अपने जो है वजीर आजम की मुशावरत के साथ दीगर लोग जो भी शामिल थे, लेकिन एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन और अगर मुझे दोबारा करना पड़ा तो मैं फिर यही इकदाम लूंगा, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, या तो हम बात करें पंचायत की या बात करें कानून की, कानून में मुल्ज़िम का बयान पूरा पढ़ा जाता है, उसको आप आधा नहीं पढ़ते। और आधे में क्या, मैं था सदर मुमलकत, मुझे हुक्म आया था फ्रॉम वजीर आजम, आई वॉज डोंट बाय दैट। ठीक है, चले इस पे मजीद करेंगे, लेकिन हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं बात से बात। अब हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिए अहमद रजा कसूरी साहब ने और साथ ही साथ मारूफ एनालिस्ट हसन निसार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। कसूरी साहब की जाने जाऊंगी। कसूरी साहब, ये जो बात की जा रही है डिफरेंट क्वार्टर्स से बात आ रही है, इल्जाम आ रहे हैं, मुशाहिद हुसैन साहब भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि ये जो बहाने हैं परवेज मुशर्रफ साहब की जानब से, कई दफा पहले ये कहा जा रहा था कि फोके बम हैं और अब ये कहा जा रहा है कि दिल की तकलीफ है। मुशाहिदुल्लाह साहब ये कह रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसकी तरफ जो है इशारा कर रहे हैं कि ये बहाने हैं कोर्ट में ना पेश होने के लिए, क्या कहेंगे इस पे आप? देखें जी, ये एक तो खैर बच्चा है, उसकी तो मैं जवाब देने को तैयार नहीं है। अपने अभी इसके दूध के दांत हैं तो मैं तो बिलावल का जवाब नहीं दूंगा जिसके दूध के दांत हैं। हाँ, मुशाहिदुल्लाह अगर कहते हैं तो उनकी राय है, बल उनकी उनको पूरा हक है अपनी राय देने का, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री कर। देखिए, बात यह है, ये कहा जा रहा है कमांडो डर गया है, ये कहा जा रहा है उनके मुखालिफिन की तरफ से। नहीं, कमांडो बिल्कुल नहीं डरा, कमांडो इधर ही है। कमांडो को बहुत सारे लोग लालचें दे रहे हैं, बहुत सारे उसके लोग जो ये गवर्नमेंट है वो भिजवा रही है डिफरेंट लोगों के जरिए सफारती पैगाम कि जनाब आप इज्जत और आबरू के साथ यहां से अपने दुबई या लंदन चले जाएं। आपको पता है पिछले दिनों में एक इनका डेलीगेशन मिला जिसकी क्यादत जो थी अपना एहसन इकबाल कर रहे थे और वहां जाके उनकी मिन्नत अदा किया। ये स्टैंडिंग ऑफर अभी भी गवर्नमेंट आपको अप्रोच कर रही है। देखे, बात यह है कि ये उनका देखे उनके लिए एक मसला बना पड़ा है उसी के, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि उनका सारा का सारा
सिस्टम रुका पड़ा है, इससे अनफॉर्चुनेटली इससे फेल स्टेट गुर्बत है, अफलास है, जहालत है, उसी लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। इस सूरत हाल में बजाय लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये एक डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है कि जब आप इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकते तो गवर्नमेंटें एक नॉन इश्यू की तरफ आपकी निगाह कर देती हैं। आज तंदूर पर, बस में, ट्रेन में, हर जगह जनरल मुशर्रफ का केस, क्या जनरल मुशर्रफ के केस से लोग सिटे इतने लंबे लंबे लगने शुरू हो जाएंगे, क्या नौकरियां निकल आएंगी, क्या अस्पताल बन जाएंगे? मुख्तसर बता दें मुझे ये कि आज तो ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मुशर्रफ साहब शायद किसी डील के जरिए जो है वो चले जाएं, बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएं जाने का, चाहे अब उनके बीमारी का जो है वो जवाब बना, तो ये मुशर्रफ साहब यहाँ रह के फेस करेंगे इसको, इस केस को फेस करेंगे, कमांडो की तरह इसको फेस करेंगे यहाँ पे? देखिये, बात ये है कि पहले भी ये सारी अफवाहें हुई कि सऊदीज के साथ डील हो गया, अमेरिकन के साथ हो गया, यूएई के साथ, लेकिन आपने देखा कि एक साफ और शफाफ अदालती निजाम के जरिए कानून का सहारा लेते हुए जवाब, मुख्तसर जवाब, यहाँ लेके, यहाँ रहकर, यहाँ रहकर वो इसको फेस करेंगे, केसेस को फेस करेंगे, यस और नो? वो इधर ही रहेंगे, ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, कम ऑन हिज ओन, उसको किसी किसी अदालत, कोई कोई अदालत ही लेके आई, किसी अदालत का वारंटी देगा, मुझे वॉलंटियरिंग कर लेने दे एक बात जी। तलाल साहब जल्दी से, फिर मुझे हाफिज साहब के जाने जाना है जी। डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने एहसन इकबाल साहब की बात की है, ये पहले एहसन इकबाल साहब चैलेंज कर रहे हैं, अब मैं कर रहा हूँ, इन्हें कहें ये तो पहले ही झूठ की वकालत कर रहे हैं, एक और झूठ ना बोले टीवी पर बैठकर, ना हमारे किसी वफद ने मुलाकात की है, ना पसंद करते हैं हम मिलना, और मेरी बात सुने, हम पे कोई प्रेशर नहीं, तुम्हारे नवाज शरीफ से शुरू करूंगा और तुम्हारे नवाज शरीफ जो प्रेशर करेगा, हमें बताऊंगा नवाज शरीफ गद्दार का, एक डरे हुए आदमी का, एक डरे हुए आदमी का, उसको क्या प्रेशर क्या प्रेशर हम पे? साहब, तलाल साहब, किसी को समझ नहीं आ रही जी, जी किसी को समझ नहीं आ रही, प्लीज जरा हौसले का मुजाहरा कीजिए। कैसे बेवकूफ लोगों को ले आते हैं जिनको का नाम बे नहीं पता, सारे घटिया किस्म के लोग करें, तुम्हारा जो लीडर है लोहारों के साथ है जो, अच्छा जी, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें हसन साहब, आपकी जानिब चलते हैं। हसन साहब, पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये बात जो आ रही है कि माजी की तरह इस दफा भी एक सऊदी प्रिंस जो है वो तशरीफ ले आए हैं और एक डील जो है वो मुतवक्के है, ऐसे में कानून की बालादस्ती और आईन की पासदारी तो क्या बनेगा और क्या जमहूरियत तमाशा देखती रह जाएगी? देखिए बीबी, बात सुने, ये मैं कानूनदान नहीं हूँ, एक आम शहरी के तौर पर मैं चंद बातें शेयर करता हूँ आपके साथ जी। देखें, अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है ना, इसी तरह अधूरा इंसाफ ना इंसाफी से ज्यादा खतरनाक होता है। फर्द वाहे वाहेद एक मरला जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता। आप एक ऐसी आदमी की बात कर रहे हैं जो उस वक्त जमीन पे, यानी वो जो सीन है उस पे ही मौजूद नहीं था। अच्छा, मुकदमा चलाना है तो मरोड़ क्यों उठते हैं, इनको मौत क्यों पड़ती है? रोज अव्वल से चलाएं और हर उस शख्स को मुलविस करें जो किसी भी शक्ल या सूरत में बतौर इदारा या बतौर फर्द परवेज मुशर्रफ साहब का शरीक रहा है या उसकी तौफीक की है उसने। अच्छा, फिर एक और बात है डॉक्टर मारिया, जिस मुल्क में सरेआम 62-63 के सिक्कों के साथ इज्तमाही ज्यादती की गई, वहां आर्टिकल 6 पे इतना जोर देना किसी शरीफ आदमी को, किसी बाहोश आदमी को जेब नहीं देता, और खास तौर पे अगर आप आर्मी चीफ को सिंगल आउट करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। और एक और पहलू मैं आपको बताऊं, फौज का मोरल छोड़े, अवाम का मोरल कहां जाएगा अगर पाक फौज का सिपा सालार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से लेके एक लंबे सफर के बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया जाने वाला आदमी का दार है, तो फिर मुहब्ब वतन कौन है? और अगर यही सच है तो फिर किसी के पल्ले कुछ नहीं रह जाता। एक और बात, मखसूस सियासी माफियाज को आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे का अगर शौक है तो सिलसिला 12 अक्टूबर 99 से ही नहीं,
जनरल ज़ियाउल्लाह टेक ओवर से शुरू करें और जनरल ज़ियाउल्लाह समेत उसके जिंदा या मुर्दा तमाम हवारियों दरबारियों को कटारे में बसूरत दीगर इस सिलेक्टिव इंसाफ और इंतकाम नुमा शय का अंजाम किसी के लिए भी ये भी ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इंतकामी सियासत जो है, इंतकामी सलूक जो है बढ़ता जा रहा है परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, आप इससे मुत्तफिक हैं जो उनकी जमात की तरफ से? मैं मुत्तफिक हूँ। और ये जो लंगड़ी लूली मखलूक जमहूरियत है जो बतदरीज पिछले 5 साल बिड़ा गर्क किया आवाम का, अब अगले गियर में चली गई है गाड़ी। ये जितना ये मामला इनकी नाम निहाद मकरूह जमहूरियत के लिए, ये खतरनाक साबित होगा मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। देखे फांसी घाटों पे घास नहीं उगती, भुट्टो मुजरिम था नहीं था, मेरा ये बहस नहीं। ये देखें, ये हर चीज आप तकरीबे नहीं तोल सकते और इंसाफ की कोई औकात नहीं। 1 लाख बंदे के कातिल को भी आप एक बार से ज्यादा फांसी नहीं दे सकते। ठीक है, इसका जवाब देते हैं तलाल चौधरी साहब की जानिब से। उनके तकाते हैं, और ये जो चौधरी शुजात ने ये बात की है, ये आली जर्फ लोगों वाली सोच है कि मुझसे शुरू करें, सबको इन्वॉल्व करो फिर बीच में। एक आदमी पिक कर लिया आपने इतने बड़े ड्रामे में। तलाल चौधरी साहब, आपकी जमात की तरफ एलिगेशन आ रही है कि ये जो जमहूरियत और मुल्क के लिए जो है ये बहुत एक खतरनाक चीज हो गई, और ये कहा जा रहा है कि 99 से क्यों फिर ज़ियाउल हक से शुरू किया जाए, उससे पहले आपकी जमात क्यों नहीं इस पे जो है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार होती है? हसन साहब कह रहे हैं इंतकामी सियासत, इंतकामी रवैया जो है बढ़ता जा रहा है परवेज मुशर्रफ साहब के साथ। देखिए ये आगाज है, और अगर ये आगाज हुआ है तो इसको कबूल कर लें। पहले से करना चाहिए ना तलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब, आगाज तो डॉक्टर साहब आगाज तो पहले से करना चाहिए ना, या शायद डॉक्टर साहब मेरी बात सुन ले, मैं आपको ये अब तजिया निगार आप हमें ना पढ़ाएं। ये आगाज हुआ है 2014 में, पाकिस्तान की 1 जनवरी को एक नया आगाज हुआ है, और अगर कोई वर्दी पहने वो कमांडो हो, वो चीफ ऑफ स्टाफ हो, वो उस वक्त तक काबिल एहतराम है जब तक वो कानून के दायरे में रहे। अगर वो वर्दी पहने मिलने के बाद डाका मारे, हकूक लूटे आवाम के, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं। सुबह का आगाज हुआ इस 1 जनवरी से, नई चीज एक हमें एक नया सिस्टम आप देने जा रहे हैं। चले हम नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, लेकिन आजम साहब की बात बड़ी वैलिड है जो कि बाकी क्वार्टर से भी आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर आपने शुरू करना है तो ज़ियाद साहब के दौर से फिर शुरू कीजिए ना, अभी से क्यों शुरू कर रहे हैं? डॉक्टर साहब अभी शुरू तो हुआ, शुरू तो करने देना, फिर जितना मर्जी पीछे चले जाइएगा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो भी हो, कोई किसी भी अहदे पर हो, वो अपने दायरे अख्तियार में रहे तो वो काबिल एहतराम है। जब वो डाका डालेगा आवाम के हकूक पर, जब वो आइन को मुअत्तल करेगा, वो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, फिर गद्दार कहलाएगा। अब पाकिस्तान की तारीख ये लिखेगी कि अब वो गद्दार कहलाएगा, अब वो इज्जतदार चलते हैं। कसूरी साहब, ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सऊदी प्रिंस जो है वो तशरीफ लाने वाले हैं, और उनका बजायरन इस वक्त कोई एजेंडा नजर नहीं आ रहा, वो भी उसी दिन आ रहे हैं जिस दिन अगली कोर्ट डेट है, ये एक लिंकेज की जा रही है कि एक दफा तारीख फिर अपने आप को दोहराएगी? जिस तरह नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला था, अपने साथ ले गए थे प्रिंस मुकरान, उसी तरह जो है ये इस केस में भी देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं एक कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में बड़ी खतरनाक सियासत हो रही है। हिटलर कह गया है कि किसी फौज को हराना हो तो फौज और आवाम के दरमियान खलीज पैदा कर दो। ये खलीज पैदा की जा रही है, और ये वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के गुलमचे बने हुए हैं, अपने सीमेंट और अपने कारोबार के चलाने के लिए हिंदुस्तान के नीचे ताबे हुए हैं। अपने एक छोटा सा गांव जहां इनका बाप लोहार था, वहां जाके वो जाके कबड्डी खेलते हैं, जाके कहें आओ कबड्डी कबड्डी खेलें, और आसमान तो सांझे हैं। हिंदुस्तान आपको जो है गले से पकड़े बैठा है, आपके पानी को रोके बैठा है। अंडा 10 सालों में पंजाब जवाब दे दीजिए, आपने मेरा जो खेत है वो सैलाब बन जाएंगे। कसूरी साहब, कसूरी साहब, कसूरी साहब, प्लीज मौका दीजिए, एक सेकंड, तलाल चौधरी साहब मौका दीजिए,
कसूरी साहब मेरी बात का जवाब दे दीजिए, जो ये कहा जा रहा है कि सऊदी जो प्रिंस आ रहे हैं उनका आने का मकसद ही ये है कि तारीख जो है वो अपने आप को एक दफा फिर दोहराए, जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना को ले गए थे, इसी तरह इस दफा भी करने को डील ब्रोकर होने जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? इसका जवाब दे दीजिए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। देखे जनरल मुशर्रफ खुद कह चुके हैं अपने इंटरव्यूज में अभी हाल ही में कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा घर है, ये इसकी अफवाज पाकिस्तान का मैं सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके आर्मी चीफ तक रहा हूँ, इस मुल्क का मैं सदर रहा हूँ, इस मुल्क में के साथ मेरा एक रिश्ता है, वो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे और इनकी तीनों को मुंडी दलेंगे। इनकी हुकूमत मार्च क्रॉस करती नजर नहीं आ रही, मार्च क्रॉस करती नजर नहीं आ रही, यहाँ बड़ा एक तहलका मचने वाला है मार्च में और ये इनका समाया हो जाना है। ऑन दैट नोट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं बात से बात। हसन साहब साहब की जाने जाऊंगी। हसन साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या मुशर्रफ साहब का जो ये मुकदमा है किसी मुंतकी अंजाम तक जो है ये पहुंच पाएगा, और अगर उन पे आइन तोड़ने का जुर्म जो है वो आयद हो जाता है तो इसका फौज पर क्या रिएक्शन होगा? फौज इस वक्त तक अभी तक फौज की तरफ से कोई रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया, ना फौज ये कह रही है हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ना ये कह रही है कि उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे इसे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा आगे जाता या नतीजा खेज नतीजा खेज होते नहीं देख सकता। कम से कम मेरा विजन तो मुझे यही बताता है कि ये सारा कुछ जल्दी ही वाइंड अप हो जाएगा, देर या बदेर मुमकिन है, टाइम आगे पीछे हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मुल्क को तबाह करने में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी भरे व मुजरिम था, नहीं मैं ये बहस नहीं कर रहा, ये एक खास लेवल के बाद मामलात ये कानूनों अदालतों और ये जो तकड़ियां होती हैं ना तकड़ियां तराजू उनसे आगे निकल सकते हैं, कहानियां डिफरेंट हो जाती हैं। बाज़ औक़ात आपको अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ ये स्टेट क्राफ्ट कोई ललुओं पंजुओं का काम तो नहीं है। असल बात यह है कि ये और एक और बात डॉक्टर मारिया आप याद रखें, एक चेक है, मैं पब्लिकली ये बात कर रहा हूं, आपके व्यूज सुन रहे होंगे, ये इस एक चेक है, ये किसी को पसंद आए ना आए वो है पाकिस्तान की फौज, वरना ये इस मुल्क के पॉलिटिकल माफियाज इस मुल्क को पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बना के इसके प्लॉट करके बेच देंगे। ये तो बूट के खौफ के बावजूद ये लूट मार से बाज नहीं आते। अच्छा अतुल साहब मुझे प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे हम जो है वो लास्ट सेगमेंट में अपने पहुंच गए, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप क्या देख रहे हैं, ऑप्शंस क्या नजर आ रही हैं कि अगर आप कह रहे हैं खत्म हो जाएगा तो किस सूरत में ये जो है मुकदमा खत्म हो जाएगा, क्या कोई पार्डन लिया जाएगा या जो है कोई डील ब्रोकर होगी, किस तरह आप देख रहे हैं इसको वाइंड अप होते हुए किस तरह देख रहे हैं आप? देखे भारत में ये पार्डन वाली बात तो आप भूल जाए, ये नहीं होना, एक ऐसे आदमी के बारे में ये बेहुदा बात है बात करने के, वो बुजदिल है वो फलाना है, जो रजाकाराना तौर पे पूरे उनके इर्द गिर्द मुझे पता है ना कि मेरा मैं सोशलाइज नहीं करता, मेरा मेल जोल नहीं है लोगों के साथ, बट आई नो इट फॉर श्योर कि हर तमाम तर मुखालफत के बावजूद वो शख्स रजाकाराना तौर पर आता है, इसका मतलब वो ऊपर पटवारी है, उसको नहीं पता बात कहाँ कहाँ तक जा सकती है। सो ये सोचना कि वो आदमी बुजदिल है या वो पार्डन शार्डन वाला है, ये पार्डन वाली खाते ये ताजरों के काम है, ये जनरलों और कमांडोस के काम नहीं है पार्डन पूडन, ये ऐसा नहीं होगा। बाकी को डील हो जाती है जिसमें सबकी को भलाई होगी बेहतरी होगी उसकी वजह है, ये जो अगर कोई किसी को ये गलतफहमी है कि वो फांसी का फंदा परवेज़ मुशर्रफ के लिए तैयार कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, किसी में हिम्मत है करके दिखाए। अच्छा मैं तलाल चौधरी साहब की जानकारी जाऊंगी। तलाल साहब आपने सुना हसन साहब ये कह रहे हैं कि अगर एक तो मुल्क में इंटरनल टर्मोइल आ जाएगा जिस तरह भुट्टो साहब की फांसी के बाद जो है वो देखने में आया, और ये उनका कहा जा रहा है कि ये कह रहे हैं वो कि अगर किसी आदमी में हिम्मत है तो वो फांसी का फंदा जो है उनकी गलत फहमी है कि अगर वो समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ के लिए फांसी का फंदा तैयार हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे?
एक तो ये कोई भी तजिया निगार या हसन निसार साहब कहें, ये इनकी बात कोई आखिर कुल नहीं है, पूरी आवाम जो है ना वो कोई उसके वो खुशफहमी में वापस आया है कि मेरी फेसबुक पे 5 लाख मेरे बड़ा जी उसमें थे, वो पता नहीं कितने लोग इस्तकबाल में आएंगे, फिर वो इस खुशफहमी में था कि शायद कोई इदारा उसका साथ देगा, वो खुशफहमी में मारा गया है, वो खुशफहमी में आया है। और दूसरी एक और बात, इस पे आईन और कानून अपना रास्ता बना रहा है, उस आदमी जिसको जो आईन और कानून की किताब को अपने पांव की नोक पर रखता था, आज उसके वकला और उसके हवारी आज उसी आईन और कानून का वास्ता दे दे के उसकी शिकंद खा दिखा के आज अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ये अदालत के रहमो करम पर है, इसका फैसला अदालत करेगी। और जो मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो 24 ये जो आ रहे हैं वजीरे खारजा, सऊदी वजीरे खारजा 24 नवंबर को वाशिंगटन में प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, वहां पर डिसाइड हुआ था कि ये पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। तो उनके पाकिस्तान आने का एजेंडा क्या है तलाल साहब? ये बता दें, तफ्तीश इसलिए हो रही है, कंस्पिरेसी थ्योरीज इसलिए निकल रही है क्योंकि पता नहीं चल रहा उनके आने का एजेंडा क्या है, आने का मकसद क्या है उनका, ये बता दीजिए। दो तरफा तल्लुकात पाकिस्तान और सऊदीया के बहुत पुराने हैं, बिल्कुल वो इस मामले पर नहीं आ रहे, और इस खुशफहमी में उनके वकला कहीं उन्हें और ना मार दें कि कहीं वो उनके लिए आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात पहले, ये तो हमने पहले देखा है कि सऊदीया इंटरवीन करता है, आपके लीडर को सऊदीया निकाल के यहाँ से ले गए थे, एक टेलीफोन कॉल आई थी मुशर्रफ साहब को और आपके लीडर को निकाल के ले गए थे, और कितनी देर उन्होंने सऊदीया में गुजारी। तो ये तो आप नया कहें कि सिर्फ दो तरफा जो है वो सूरत हाल जो है वो डिस्कस होगी या जो भी, इस पे लोग जो है सस्पेशन का इजहार जो है वो कर रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी जन्म ले रही है इस वक्त कि वो क्यों आ रहे हैं, माजी शायद एक दफा या तारीख अपने आप को एक दफा फिर दोहराएगी, ये बातें हो रही है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल, इसको ये ऑन एयर मैं कह रहा हूँ, कोई अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर नहीं है, ना हम इन्हें कुछ कोई भेज रहे हैं, अदालत का रहमो करम पे है, अदालत फैसला करेगी मुशर्रफ के मुस्तकबिल का। और जो हसन निसार ने कहा कि माफिया सिर्फ ये कारोबारी मांगते हैं, तो फख्र है हमें कारोबारी होने पर, हमारे लीडर पे कि वो कमाता है अपने लिए भी इस मुल्क के लिए भी। और माफी, ये कमांडो ये जो बहादुर नहीं, ये गीदर है, ये लीडर नहीं। माफी तो इसने पहले कुछ दिन पहले ऑन एयर एक चैनल पर मांगी है, और अभी माफी तो नहीं मांगी वैसे कितनी माफिया मांगता है। कथा कलामी बात सूरी साहब की जानब जाऊंगी, माफियां तो वैसे नहीं मांगी परवेज मुशर्रफ साहब ने, उन्होंने कैटेगोरिकली तलाल साहब ये कहा था कि माफी पार्डन जो है वो मैं नहीं जो है वो उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, कोई इस तरह का जो है वो मेरी आदत नहीं है, आते इनकी बदलने वाली है, इतना डर आज तो पेशी पर जाने से डर गए, अभी तो आने वाले दिन देखिए। अच्छा कसूरी साहब आपकी जानब आऊंगी, एक तो ये बता दीजिए कि जो ये कहा जा रहा है इस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब की, पहले तो ये बता दीजिए कि इस वक्त क्या उनकी कंडीशन इस वक्त क्या है, क्योंकि आपके पास इस वक्त फर्स्ट हैंड जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी, और आने वाले जो अगली पेशी है उस पर आपका रद्द अमल क्या, इस वक्त क्या आपकी पार्टी जो है वो क्या इख्तियार कर रही है। देखिए, डॉक्टर्स ने तमाम विजिटर्स का जो है विजिट जो है मना किया हुआ है, और तमाम जो है अपना AFIC तमाम आर्मी ने उसको गार्ड किया हुआ है, और ये वहां पोजीशन है। और आपको पता है कि सिविल के हॉस्पिटल और आर्मी के हॉस्पिटल में डिसिप्लिन में बहुत फर्क होता है, अगर मिलिट्री हॉस्पिटल डॉक्टर कह रहे हैं कि नो विजिटर, इवन जनरल जो है वो विजिट करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, ये तो पोजीशन है। बाकी रहा जनरल मुशर्रफ का, जनरल मुशर्रफ एक ट्रेंड एक कमांडो है जिसका नस्बो लैन है गाजी या शहीद, टू किल और बी किल्ड, और वो कोई जाति उमरा का लोहार नहीं है जो पट्टी के आगे लोया बनाने वाला, और जो कि स्क्रैप जो है ये इनका सारा कारोबारी स्क्रैप है, वो भी ह्यूमन स्क्रैप, और ये तमाम ख्वाजे इसमें भर्ती किए हुए हैं, अब ख्वाजे खत्म हो गए हैं, अब ख्वाजा सरा ढूंढते फिर रहे हैं, ख्वाजे खत्म हो गए, ख्वाजा सरा ढूंढते फिर रहे हैं। अच्छा, ये आज आपने जो है ये मुशर्रफ साहब की जो आज पेश ना हो सके, वो कोर्ट में पेश ना हो सके दिल की तकलीफ के बायस, उस पर हमने आज डिस्कशन की। और एक बात तो जो डिफरेंट क्वार्टर से आ रही है वो ये, एक बात कहने दें जी प्लीज, जल्दी से मुख्तसर बात कहिए जी।
डॉक्टर साहबा ये जातियात पर ये जो आते हैं क्योंकि इनके पास और कोई टॉपिक नहीं है, हमें फखर है कि हम एक शेर हमारा लीडर है और ये जीवन के साथ है, ये सरकार के साथ है, हम इनके लिए खुश हैं। इस वक्त अस्पताल में जो है वो है अहमद रजा कसूरी साहब, ने कहा इस वक्त नहीं पता चल रहा कि उनकी सिचुएशन क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट गार्ड है उनके हॉस्पिटल के बाहर, आने वाला वक्त बताएगा। 6 जनवरी की जो है वो डेट है जो दी गई है अगली पेशी के लिए, क्या मुशर्रफ साहब उस पर पेश होंगे या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं अपने मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूं, हसन निसार साहब, अहमद रजा कसूरी साहब और तलाल चौधरी साहब। और आपको साथ साथ ये बताते चले कि हमारी जो नशरियात है एक्सप्रेस की नशरियात आप देख सकते हैं live.express.pk पर। मारिया जुल्फिकार खान और बात से बात की टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।